السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة محترم उलमाए किराम बुजुर्गों नौजवानों अजीज बच्चों पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों मेरा मौजू आपने सुन लिया है। बिला तमहीद के मैं मौजू के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ। इस्लाम का आयली निज़ाम दुनिया वालों के लिए रहमत ही रहमत है, इसलिए कि ये निज़ाम बनाया हुआ उस ज़ात का है जो लतीफ़ खबीर और बड़ा हकीम है। इस्लाम के इसी आयली निज़ाम को हम मुस्लिम पर्सनल्ला कहते हैं, जिसमें निकाह, तलाक़, खुला, नानो नफ़का, वरासत, वसीयत, रदात और हदानत वगैरह शामिल हैं। हदानत का मतलब ये कि मियाँ बीवी अगर अलग हो जाएं तो बच्चों की परवरिश कौन करेगा, बच्चे अगर छोटे हैं तो कौन उनकी ज़िम्मेदारी संभालेगा, इस तरह के बहुत सारे मसाइल इसके अंदर आते हैं। मौजूदा दौर में इन मसाइल को अवामुन्नास तक पहुँचाने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत हिंद यकसा सिविल कोड का मसाला खड़ा कर रही है। इसलिए अपनों और गैरों के इल्म में इन मसाइल को, जिनका ताल्लुक़ आयली निज़ाम से है, लाने की और उनकी अहमियत को बताने की ज़रूरत है। काबिले मुबारकबाद हैं इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर मुंबई के ज़िम्मेदारान, जिन्होंने इन मौके पर दुखती नफ्स पर अंगुली रखी है और आवाम व खवास को इस्लामी आयली निज़ाम से रोशनास कराने के लिए इतनी अजीम शान कॉन्फ्रेंस बउनवान इस्लाम का आयली निज़ाम बतारीख 17 सितंबर 2023 ईस्वी बरोज़ इतवार ज़ेर सदारत फजीलतुल शेख उस्ताज़े गिरामी अबुलास वहीदी हफ़िज़हुल्लाह मुनाक़िद करने का फ़ैसला किया है। अल्लाह ताला ज़िम्मेदारान सेंटर और जामे मस्जिद अहले हदीस मोमिनपुरा बाईकल्ला मुंबई को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इनकी काविशों को शर्फ़ कबूलियत से नवाज़े, आमीन। इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस में इस्लाम के आयली निज़ाम के बहुत सारे अज़ा हैं। उन अज़ा में एक जुज़ तलाक़ और खुला के बाद बच्चों की किफ़ालत है, जो मेरे खिताब का मौजू है। ये हक़ हजानत एक मुश्तरक हक है जिसमें बाप और माँ दोनों की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं खुलासे के तौर पर पहले ही आपको बता दूं और फिर उन तमाम बातों को दलाइल के साथ मुजयन करने की कोशिश करूंगा। मियाँ बीवी के जुदा हो जाने के बाद जब तक बच्चे छोटे हैं, उनकी हजानत, परवरिश और कफालत के जिम्मेदार सबसे पहले माँ है। माँ का हक सबसे ज़्यादा है। माँ के बाद खाला का नंबर आता है, खाला के बाद बाप का नंबर आता है। लेकिन बच्चा सिन्ने शऊर को पहुँच जाए, जानने लगे, उसे दीगर लोगों की ज़रूरत न पड़े, तो ऐसी सूरत में माँ बाप में से जो बच्चे के लिए ज़्यादा मुफीद हो उनके पास ये बच्चे रहेंगे। तीसरा मसाला इसी में, परवरिश का खर्च कौन बर्दाश्त करेगा, बच्चे का बाप बर्दाश्त करेगा,
बच्चे का बाप अगर मौजूद नहीं है तो जो वारिसीन हैं वो बर्दाश्त करेंगे। ये चंद बातें हैं जो मैंने खुलासे के तौर पर आपके सामने पहले ही रख दिया है। आइए, माँ को बच्चा की परवरिश का हक हासिल होने के लिए सराहत के साथ कुरान मजीद के अंदर कोई आयत और कोई नस तो मौजूद नहीं है, लेकिन फुकहाए किराम ने एक आयत करीमा से इस्तेदलाल किया है जो सरीह आयत तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है इक्तिजा नस के तौर पर ये आयत दलालत कर रही है। वल वालिदा तो युर्दिना औलादहुन हौलैन कामिलैन लिमन अरादा यतिम अर्रदा, कि माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं। ये हुक्म उसके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे। इसी तरह से अहादीस से दलील में आपको बताऊं, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं कि एक औरत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ये बेटा, इन्ना इब्नी हादा, हादा से मालूम होता है बेटे को साथ में लेके आई थी, कहा मेरा ये बेटा, मेरा पेट इसके लिए बर्तन था, मेरा पेट इसके लिए बर्तन था, मेरी छाती इसके लिए मशकेजा थी, और मेरी गोद इसके लिए जाए करार थी, लेकिन इस लड़के का बाप मुझसे इस बेटे को छीनना चाहता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को क्या जवाब दिया कि अंत अहक को बेही मालम तन के ही, इस बच्चे की परवरिश की ज्यादा हकदार तुम हो जब तक कि तुम निकाह न करो। ये रिवायत बड़ी सराहत के साथ इस बात पर दलालत करती है कि बच्चे की परवरिश की सबसे ज्यादा हकदार बच्चे की माँ है, और ये कब का मसाला है, जब बच्चे छोटे हों, सिन शोर को न पहुंचे हों, अपनी सारी जरूरतें खुद पूरी न कर सकते हों, दूसरों के मोहताज बनते हों। ये रिवायत जो मैंने आपके सामने पेश की सुनने बिदाऊ की, इस रिवायत में 3 बातें आप गौर कीजिए, 3 औसाफ ऐसे हैं जो इस बात की जानिब हमें रहनुमाई करते हैं कि बच्चे की परवरिश की सबसे ज्यादा हकदार माँ है। पहली बात यह कि माँ का पेट बच्चे के लिए बर्तन है। जाहिर बात है माँ के अलावा और किसी का पेट उस बच्चे के लिए बर्तन नहीं है। इसी तरह से दूसरी बात, माँ की छाती बच्चे के लिए मशकेजा है, माँ ने दूध उसे पिलाया है। तीसरी बात, माँ की आगोश बच्चे के लिए जाए करार है। जाहिर है कि ये 3 औसाफ और ये 3 चीजें माँ के अलावा और कहीं मयसर नहीं हो सकती, इसलिए परवरिश के इस्तेहकाक में माँ को दीगर लोगों पर फौकियत हासिल है। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह अत्तालीक अला सुबुल इस्लाम ले शेख अब्दुल्ला बसाम जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 16 में लिखते हैं कि बच्चे की तरबियत के लिए बाप से ज्यादा हकदार माँ है। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं बच्चे की तरबियत के लिए बाप से ज्यादा हकदार उसकी माँ है, क्योंकि माँ ज्यादा रहम दिल, उसकी तरबियत को ज्यादा समझने वाली और ज्यादा सब्र करने वाली है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब बच्चा ना समझ हो तो माँ उसकी परवरिश की ज्यादा हकदार है, इसलिए कि ये बच्चा का हक है वालिदैन का नहीं, क्योंकि वालिदा बच्चे के हक में बाप की बनिस्बत ज्यादा नरम दिल और ज्यादा रकीक होती है। अलउम जिल्द 8 सफा 235। इमाम इब्ने कुदामा रहमतुल्लाह इस सिलसिले में फरमाते हैं बच्चा और अदीमुल अक्ल की परवरिश की माँ ज्यादा हकदार होती है जबकि उसे तलाक दे दी गई हो, क्योंकि बच्चे से ज्यादा करीब ज्यादा शफकत रखने वाली माँ हुआ करती है। अगरचे इस कुर्ब शफकत में बाप के अलावा कोई और शरीक नहीं हो सकता है, मगर इसके बावजूद हकीकत यह है कि बाप भी माँ जैसी शफकत नहीं दे सकता, क्योंकि बताते खुद बाप बच्चे की परवरिश नहीं कर पाता,
वो ये काम अपनी बीवी के सुपुर्द कर देता है। हमारा भी तजर्बा है, आपका भी तजर्बा है। अगर बच्चे की माँ इत्तेफाक से कहीं चली गई है, बच्चा आपके पास और हमारे पास रात में है, रोने लगे, हम झुंझला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर माँ आती है तो उसे डांटते हैं कि कहाँ तो छोड़ के गई। माँ ये चीज बर्दाश्त करती है और बर्दाश्त करने की ताकत उसके अंदर है। लेकिन एक बात याद रहे कि अगर बच्चे की मां ने निकाह कर लिया अजनबी से और वो अजनबी शौहर अपनी बीवी को इजाजत नहीं देता है कि वो अपने बच्चे को लाकर उसके पास परवरिश करे और पाले, तो ऐसी सूरत में इस्तेहकाक और बर्तरी का ये हक माँ से साकित हो जाएगा। जैसा कि हदीस जो मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मां लम तन के ही बच्चे की परवरिश की हकदार तुम सबसे ज्यादा हो, लेकिन आपने शर्त लगाई अगर तुमने निकाह नहीं किया तो। इसलिए अगर औरत दूसरा निकाह कर लेती है तो यह हक उससे साकित हो जाता है। एक बात और बढ़ के कहूं, अगर औरत बद किरदार हो, अगर औरत बदचलन हो जिससे बच्चे के अखलाक पर बुरे असर पड़ने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में भी हक परवरिश बातिल हो जाएगा। इसी तरह से खुदा न खास्ता मां मुर्तद हो जाए, बददीन हो जाए, दूसरा धर्म और दीन अख्तियार कर ले, तो ऐसी सूरत में भी हक परवरिश बातिल हो जाएगा, क्योंकि बच्चा मुसलमान है और मां काफिरा है। अगर ये बच्चा मुसलमान बच्चा काफिरा मां की परवरिश में रहेगा तो मां की परवरिश उसके अखलाक उसके किरदार उसके दूसरे दिन पर अमल करने का असर बच्चे पर होगा, और ऐसा हो सकता है कि बच्चा भी अपनी मां की मुताबात और उसकी इताअत और फरमा बरदारी में काफिर हो जाए। इसलिए अगर मां मुर्तद हो गई है, दूसरा दीन अख्तियार कर लिया है, तो ऐसी सूरत में मां का हक परवरिश बातिल और साकित हो जाएगा। ये मां की परवरिश के ताल्लुक से रिवायतें थी। मां की परवरिश का हक बातिल हो जाने के बाद या मां ने निकाह कर लिया उसके बाद या मां मौजूद ही नहीं है, दुनिया से चली गई, तो ऐसी सूरत में बच्चे की खाला परवरिश की सबसे ज्यादा हकदार है। इस सिलसिले में बड़ी मशहूर रिवायत है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सन 7 हिजरी में उमरा करने के लिए गए और सन 6 हिजरी में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरतुल हुदैबिया अदा करना चाहा था, अगरचे हुक्मी तौर पर यह उमरा अदा हो गया था, जाहिरी तौर पर अदा नहीं कर पाए थे, वहां शरायत सुलह तय हुए, उसी में से एक शर्त यह भी थी कि आइंदा साल आए सिर्फ 3 दिन क्याम करें और उसके बाद चले जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी शर्त के मुताबिक जब वो सन 7 हिजरी में उमरा करने के लिए गए, 3 दिन पूरा हो गया, पूरा हो जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम जब चलने लगे तो हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी या अम्मी या अम्मी या अम्मी कहती हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने पीछा किया, ऐ चचा जान, ऐ चचा जान, ऐ चचा जान पुकारती जाती थी और दौड़ रही थी। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, उसे उठा लिया और उठाने के बाद हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले कर दिया। जब हवाले कर दिया तो 3 सहाबा आपस में झगड़ पड़े, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत जैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु, तीनों ने कहा परवरिश हम करेंगे। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु दलील देने लगे कि इसका सबसे ज्यादा हकदार मैं हूं, क्योंकि ये मेरे चचा की बेटी है, मेरी चचेरी बहन है। हजरत जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं इसका सबसे ज्यादा हकदार हूं क्योंकि ये मेरे चचा की बेटी है और इसकी खाला मेरी जौजियत में है, इसकी खाला मेरी बीवी है। और जैद ने कहा, ये मेरे भाई की बेटी है, इसलिए मैं इसकी परवरिश करूंगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये मसाला आ गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फैसला किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया वो खाला के हक में फैसला किया, और खाला के हक में फैसला करते हुए आपने फरमाया, अल खालतु बिमनजिलतिल उम्म
खाला माँ के दर्जे में है। इसी तरह से एक दूसरी रिवायत है जिसमें रावी हजरत अली रदिल्लाहु ताला नो है, सही जामी की रिवायत है, अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह ने सही करार दिया है। उसमें यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल जारियतु इंदा खालतिहा फइन्नल खालता वालिदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लड़की अपनी खाला के पास रहेगी इसलिए कि खाला ये वालिदा है। पहली रिवायत में खाला वालिदा के मंजिले में है आपने फरमाया, और दूसरी रिवायत में डायरेक्ट कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खाला माँ है। ये दोनों रिवायतें बड़ी वादह दलील हैं कि माँ के बाद परवरिश की सबसे ज्यादा हकदार उसकी खाला होगी। अगरचे कुछ फुकहा ने माँ के बाद नानी का नाम लिया है, नानी के बाद दादी का नाम लिया है, दादी के बाद खाला का नाम लिया है, लेकिन इस सिलसिले में कोई सरीह नस मौजूद नहीं है, लेकिन खाला के बारे में ये दो नस और दो रिवायतें अब बड़ी सरीह मौजूद हैं, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाला को माँ के मंजिले में और दूसरी में खाला को माँ ही डायरेक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया है। इसलिए अगर माँ मौजूद ना हो तो माँ के मंजिले में होने वाली औरत ही को इस्तेहका के परवरिश में अव्वलियत दी जाएगी। तीसरे नंबर पे अगर माँ मौजूद नहीं है, खाला मौजूद नहीं है, या ये दोनों मौजूद हैं लेकिन इन दोनों के अंदर परवरिश की अहलियत ही मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में बच्चे का सबसे ज्यादा मुस्तहिक उसका बाप होगा। इस सिलसिले में कई रिवायतें मौजूद हैं। सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत है जिसमें है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरत आई और उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा है जो मुझे नफा भी देता है, मुझे बीरे अबू एनबा से पानी भी भर करके लाता है और पिलाता है, लेकिन इसके बाप ने मुझे तलाक दे दिया है और चाहता है कि मेरे बेटे को लेके छीन करके चला जाए। ये बात हो ही रही थी कि लड़के का बाप भी आया और कहा, मैं उखासिमुनी फीबनी, कौन है जो मेरे बेटे के बारे में मुझसे लड़ रहा है और झगड़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनने के बाद बाप को एक तरफ बैठाया और माँ को दूसरी तरफ बैठाया और उसके बाद उस बच्चे से कहा, खुज बियद अय्युहुमा शिता, इन दोनों में से जिसका हाथ तुम चाहो पकड़ लो। चुनाचे उस बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ा और माँ उसको लेकर के गई। अब माँ मौजूद थी, माँ का हाथ पकड़ा, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है, बाप मौजूद था। इसलिए फुकहा ने इस रिवायत की रोशनी में ये कहा है कि अगर खाला मौजूद नहीं है या खाला के अंदर अहलियत परवरिश नहीं है तो इसी सूरत में तीसरे नंबर पर बच्चे का सबसे ज्यादा मुस्तहिक बाप होगा। एक और रिवायत है इस सिलसिले में, लेकिन तफसील बहुत हो जाएगी, इसी पर इक्तफा करता हूं। लेकिन अगर मसाला ऐसा हो, माँ के अंदर परवरिश की अहलियत नहीं है या माँ मौजूद नहीं है, खाला के अंदर परवरिश की अहलियत नहीं है या खाला मौजूद नहीं है या बाप मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में परवरिश कौन करेगा। इस सिलसिले में अगर बच्चा की माँ, खाला, बाप मौजूद न हो तो जमात के या गांव के बाशोर अफराद पर मुश्तमिल कमेटी को चाहिए कि ये देखे कि उस बच्चा के करीबी रिश्तेदारों में ज्यादा खुशोसलूबी, शफकत और रहमदिली के साथ कौन इस फरीदे को अंजाम दे सकता है, उसी के हवाले उस बच्चे को कर दे, क्योंकि बच्चा ऐसे शख्स का मोहताज है जो उसकी परवरिश, तरबियत और देखभाल कायदे से कर सके, और जिसके पास बच्चा के रहने में उसके लिए दुनियावी व उखरवी फायदा हो। हादा मा इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। और आगे चलिए, ये तो मसाला था बच्चा छोटा है तब, लेकिन अगर बच्चा सिन्न शोर को पहुंच जाए, इतनी उम्र को पहुंच जाए जिसमें माँ की जरूरत उसे नहीं है, बाप की जरूरत उसे नहीं है, खाला की जरूरत उसे नहीं है, वो पेशाब पैखाने, साफ सफाई सारे काम अपने हाथ से कर लेता है, तो ऐसी सूरत में ये बच्चा हो या बच्ची, वो किसके पास रहेंगे। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, इस सिलसिले में दो रिवायतें नहीं बल्कि तीन रिवायतें हमारे सामने हैं।
एक रिवायत आपके सामने पढ़ के मैं सुनाता हूं और फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, सही तिर्मिदी और सही नसाई के अंदर भी रिवायत मौजूद है कि जिसमें यह है कि औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, अल्लाह के नबी मेरे माँ और बाप आप पर कुर्बान, मेरा शौहर चाहता है कि मेरे बेटे को छीन कर ले जाए, हालांकि मेरे बेटे ने मुझे फायदा पहुंचाया है और पहुंचा रहा है। बाप भी आया और बाप ने भी अपनी बात रखी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप और माँ दोनों को दो जानी बैठाया, बच्चे को कहा जिसके साथ जाना चाहो चले जाओ, चुनाचे बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ लिया। ये रिवायत बताती है कि सुन्नी शोर को पहुंचने के बाद बच्चा कहां जाएगा, माँ के पास जाएगा। लेकिन दो रिवायतें और हैं, इख्तिसार के साथ बता देता हूं। एक रिवायत में यह है कि बच्चे का बाप काफिर है, माँ मुसलमान है। दूसरी रिवायत इसके खिलाफ है कि बच्चे की माँ काफिरा है और बच्चे का बाप मुसलमान है। दोनों में यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को बैठाने के बाद बच्चे को इख्तियार दिया, जिसमें बाप काफिर था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार दिए जाने के बाद बच्चा बाप की जानिब बढ़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया, चुनाचे बच्चा माँ की जानिब माइल हो गया, माँ लेके चली गई। दूसरी रिवायत में जिसमें माँ काफिरा थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बच्चे को इख्तियार दिया, बच्चा माँ की जानिब बढ़ा, अल्लाह के नबी ने दुआ किया, बच्चा बाप की जानिब गया और बाप ने हाथ पकड़ा और लेके चला गया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तजाबुद दावात थे, सबको मालूम है अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल करता था। लेकिन आज हमारे अमाल बड़े खोटे हैं, इस बिना पर हमारी हर दुआ कबूल नहीं होती। इसलिए मौजूदा हालात में ऐसी सूरत हाल पेश आने पर बच्चे को इख्तियार देने के बजाय उसकी मसलहत और खैरखाही के पेश नजर मुसलमान बाप या मुसलमान के माँ के हवाले कर दिया जाएगा, ताकि उसकी परवरिश इस्लाम पर हो और वो काफिर होने के बजाय इस्लाम के दायरे में नशोनुमा पाए। हाजा माइंदे वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक चौथा मसाला, बच्चे की परवरिश की हकदार माँ थी, दूसरे नंबर पे खाला थी, तीसरे नंबर पे बाप था। सिन्न शोर को पहुंचने के बाद ये दोनों रिवायतें और तीनों रिवायतें इख्तियार दिए जाने का मसला हमें समझा रही और बता रही हैं। लेकिन इन रिवायतों को इकट्ठा करने के बाद अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह ने क्या लिखा है, का वयम बगी अल्ला यकून हादा बे इतलाकी बल युकैद बिमा इदा हसलत बे मसलहतुल वलद व इल्ला फला युल्तफतु इला इख्तिबार सबी लिअन्नहु ज़ईफुल अक्ल। अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह कहते हैं मुनासिब यह है कि इस रिवायत को मुतलकन और उमूमी हुक्म समझने के बजाय बच्चे की मसलहत के साथ मुकैद किया जाए, महज बच्चे के इंतखाब को बुनियाद न बनाया जाए, इसलिए कि वह भी ज़ईफुल अक्ल है। इसी तरह से अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह ने बड़ी लंबी बात कही है और उन्होंने भी ये कहा है बच्चे की मसलहत देखी जाए, बच्चे की माँ अगर उसे दुआएं सिखाती है, स्कूल में भेजती है, दीनी तालीम सिखाना चाहती है, लेकिन बच्चा खेल की जानिब माइल है और बाप भी चाहता है मेरा बेटा खेल में मशगूल रहे, पढ़ने न जाए, तो ऐसी सूरत में बच्चे को माँ के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मामला इसके उल्टा है, यानी बाप दीनी तालीम सिखाना चाहता है, माँ खेल खिलाना चाहती है, तो बच्चे के मसलहत के पेश नजर उसे बाप के हवाले कर दिया जाएगा, माँ के हवाले नहीं किया जाएगा। इसलिए कि बच्चे की नशोनुमा के साथ साथ उसकी तरबियत का, उसके दीनी शायर का और उसके अखलाकियात का मसला है, इसलिए जिसमें बच्चे के लिए बेहतरी और फायदा हो उसके हवाले बच्चे को कर दिया जाए। चौथा मसला, मुतल्लका हो जाने के बाद बीवी तो अब नहीं रही, अजनबी औरत बन गई, अब अजनबी औरत ये परवरिश कर रही है, इसलिए बाप की जिम्मेदारी है परवरिश करने वाली के रोटी और कपड़े का इंतजाम करे और फिर बच्चे पर जो अखराजात लगते हैं उसका इंतजाम भी बच्चे का बाप करे। वालल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिलमारूफ। बच्चे के बाप की जिम्मेदारी है कि परवरिश करने वाली औरत के लिबास का, उसके रोटी का वो इंतजाम करे दस्तूर के मुताबिक।
और अगर बाप मौजूद नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सिलसिले में भी रहनुमाई की है, वालल वारिस मिस्लु ज़ालिक, बाप नहीं है तो वारिसिन की जिम्मेदारी उसी तरह की है जिस तरह बाप की जिम्मेदारी थी। बाप मौजूद था जैसे वो इखराजात देता था, वारिसिन की जिम्मेदारी है वो भी उसी तरह से इखराजात दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।